हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। एंड यहाँ पे जीने में प्लांट्स रख रखे हैं मम्मी ने। एंड अभी हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन पे, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है, बहुत ज़ोर से आंधी चल रही है। यहाँ पे हमारे लियो है, उसको हमने यहाँ पे थोड़ी देख ले बांध रखे ताकि घूम ले। एंड यहाँ पे मम्मी है मेरी, जो ऐसे मौसम में भी अपने पेड़ों को पानी दे रही है मम्मी। गाइस, इस बार अप्रैल में लगता नहीं है कि गर्मी कुछ होगी, और आप देख सकते हैं कि पूरा मौसम ख़राब हो चुका है। और इस बार तो अप्रैल में किसी की नीड ही नहीं लग रही है, और अब फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं आंधी भी चल रही है और काफ़ी तेज़ है आंधी भी। इस बार दिल्ली का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, सुहाना सा मौसम है, मज़ेदार। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है इस बारी, बट ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी नहीं है, क्योंकि गर्मी भी होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे पूरा धूल धूल उड़ रहा है और आंधी बहुत ही तेज़ है। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी भयंकर आंधी चल रही है। जानते हैं आज वो अपने किचन गार्डन में क्या कर रही हैं। सो मम्मी, क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ कि बारिश आने वाली है, इतनी धूल उड़ रही है, पूरे प्लांट ओवर करने हैं। तो जैसे आंधी चलती है ना, तो मम्मी को टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनके प्लांट्स ना कई बार टूट जाते हैं। तो देखने के लिए आई हूँ मैं। तो इस बार तो वैसे इतनी ज़्यादा धूप हो नहीं रही है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए इधर साइड में छाया में मम्मी ने शिफ्ट कर दिए हैं ये, और इधर शिफ्ट कर दिया है। पहले ये सारे इधर होते थे, इधर ज़्यादा हैवी प्लांट्स नहीं रखे अब। मकोए का प्लांट, और यहाँ पे ये मकोए लग रहे हैं। मकोए कितनी सारी। लियो भी ऊपर टहलने आया है, इसको मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या हुआ, क्या हो गया बाबू? चलिए, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, चले नीचे। बहुत ज़ोर की बारिश आई थी और भयंकर आंधी सब कुछ फैला दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी क्या कर रहे हो? मैं मकोई तोड़ रही हूँ। ये मकोई तोड़ रही हैं, ये ना बहुत टेस्टी टेस्टी होते हैं, अच्छी होती हैं पेट, और पेट के लिए भी अच्छे होते हैं। ये बेरीज होती हैं, कुछ ऐसी बेरीज होती हैं, आप देख सकते हैं। ये और ये पेट के लिए ना बहुत टेस्ट, मतलब बहुत अच्छी होती है, और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आप इसको अपने घर पे लगा सकते हैं। क्या हालात कर दिए पूरे, तो सब कुछ फैल गया है, बस कुछ टूटा नहीं, कोई प्लांट नहीं टूटा, ये गनीमत है बस। आंवले का प्लांट है और ये एक साल का हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये इसको डंडे का सपोर्ट दिया हुआ है, अदरवाइज ये गिर जाएगा। भड़ तो रहा है पर मोटा नहीं हो रहा है, इसको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हेल्थ, इसकी डाइट बढ़ाओ मम्मी, कुछ बनाना वनाना खिलाओ इसको अच्छे खासे, ताकि तो मोटा तंदुरुस्त हो। जिम में भेजो इसको, खाया पिया लग नहीं रहा है, ये लंबा लंबा हो रहा है बस, हाइट हाइट जा रही है, मोटा नहीं हो रहा। तो ये कुछ ऐसा प्लांट होता है आंवले का, इसके आंवले भी लगेंगे, फूल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, झड़ गए आज। अच्छा, अभी हवा से काफ़ी तेज़ आंधी चली ना, तो झड़ गए हैं ना, इस पर फूल आ गए थे, हो सकता है इस बार फ्रूटिंग हो इस पे। मम्मी ये क्या लेके आए? मैं इसको खाना पीना ज़्यादा देती हूँ ना, इसलिए जल्दी से। ये भी दो साल की हो गई। अच्छा, ये दो साल की बेल है, इसमें केले के छिलके हैं, और आप देख सकते हैं इस पे ग्रेप की फ्रूटिंग हो रही है। आप देखो, देखो। अभी कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं इतने, पर फ्रूटिंग अच्छी खासी हुई है इस बारी। पिछली बार भी ठीक ठाक थी, बट इस बार पिछली बार से ज़्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि इसको मेरी मम्मी ये खिलाती है प्रोटीन के लिए, जितने भी बनाना के छिलके विलके होते हैं ना। दो साल का प्लांट है ये, बस सब डाल देती है। और ये दो साल का प्लांट है, अंगूर की बेल है, सारे लगे हैं, ये देख सकते हैं आप। और वो भी ग्रो बैग में नीचे, हाँ ग्रो बैग में लगाया हुआ है ये। एक मेरा ये प्लांट था, बहुत ख़राब हो गया था, जल गया था इसको, फिर मैंने यही फ्रूटिंग खिलाई इसको,
ये सब अच्छा हो गया। अब देखो अच्छा, अगर आपके प्लांट ऐसे जल जाते हैं, सूख जाते हैं ना, तो आप ये बनाना के छिलके हुआ, प्याज के छिलके हुआ, ये सब आप इसको डाल सकते हैं, जिससे इसको प्रोटीन मिलता है और फिर ये अच्छे ग्रो करता है। ये भी बेकार हो गया था, इनको भी वही खिलाए सब। अच्छा, तो जो भी मम्मी प्लांट सूखने को होता है ना, तो उसमें सब ये डालना चालू कर देती है, जिससे फिर इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होने लगती है। मौसमी लगी हुई थी, हवा से जड़ गई है, तूफान था, तो जितनी भी छोटी छोटी मौसमी लगी हुई थी सब जड़ गई है। अब मम्मी को बड़ा दुख हो रहा है, सुबह तक थी, अब नहीं है, एक भी नहीं है अब तो। सब्जियां लगाई हुई हैं, ये बैंगन के पौधे हैं, ये मिर्ची के पौधे हैं, ये टमाटर के पौधे हैं, और देखो टमाटर पे भी फ्लावर्स आ रहे हैं, अब पूरा फ्लावर आ रहे हैं और मिर्ची तो लग ही रही है, जिस आप देख रहे हैं सारी लग रही है मिर्ची, तो मिर्ची तो ठीक ठाक लग रही है, रोज तोड़ देते हैं। हाँ मम्मी तोड़ भी लेती हैं रोज, और ये टमाटर पे फ्लावर्स फ्लावरिंग आ रही है अभी, देख सकते हैं आप। हाँ एक बीटरूट भी निकल के आ गया है, कई बार ना बीज ऐसे गिर जाते हैं एक के साथ, एक मिक्स होकर तो फिर निकल आता है। और ये मम्मी ने ऐसे ही सूखा हुआ एक वो लगाया था गन्ना, अब ये देखो यहाँ से हरा हरा हो गया है। करेले की बेल जो है ना, ये धूप से जल गई है, दोबारा लगानी पड़ेगी, और इस बार इतनी तेज धूप भी नहीं हो रही फिर भी सब्जियाँ जल जा रही हैं। और ये खीरे की बेल है जैसा आप देख सकते हैं, ये सब सब्जी निकलने लगी है, सब में लगाया हुआ है अभी, जैसे ये भिंडियां निकल रही हैं, तो टिंडे हैं ये सब, अब ये टिंडे हैं, बारिश की वजह से अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। अच्छा बारिश की वजह, हवा की वजह से गिर जाते हैं ये छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो अभी निकल तो रहे हैं, लगाए हुए हैं कुछ, जितना निकलता है ठीक है और लगा देंगे फिर, क्योंकि देखिए जैसा ज़मीन के ऊपर खेती होती है ना, उसमें से और छत पे खेती में ना थोड़ा तो डिफरेंस होता है। तो का अभी मौसम तो नहीं है, बट फिर भी देखिए आप गाजर हो रखी है, अभी भी काफ़ी हरी है ये, और देखिए इसके बीज गिरे को ये प्लांट अब दूसरे उसमें लगाने अभी पड़ेंगे। ये बीज गिरने से ना सैलड के और ये उगने लगे हैं, चालू हो गए हैं थोड़े छोटे, अब इनको अलग उस पर लगाना होगा। ये देखिए ये भी उग गया है, और ये कितने सारे उग रहे हैं ना, सब निकाल के दूसरे प्लांट में उनको, इनके ना बीज झड़ के गिर गए थे ये इससे, और दूसरे हो गए उसमें लगा, अब इनको बाद में आराम से लगाएंगे। पुदीना देखो, और ये पुदीना है, पुदीना तो काफ़ी हरा हरा है, हरा ही रहता है पूरी गर्मी रहता है पुदीना, सर्दियों में तो थोड़ा कम हो जाता है, पर अभी तो अच्छा खासा हो रहा है। हम पुदीना वगैरह ना बाहर से नहीं लाते हैं, पुदीना हरी सब्जी कोई नहीं लाते, हाँ हरी सब्जी भी नहीं लाते।